हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं हूं सपना और आपका मेरे यूट्यूब चैनल सपना फैशन हॉल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मीशो लहंगा जो नवरात्रि में पहनते हैं, चनिया चोली जिसे बोलते हैं, उसका रिव्यू है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल वीडियो, ताकि मैं इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरा ये वाला जो लहंगा है वो ब्लैक कलर में है, प्योर ब्लैक है। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो ये वेस्ट है और वेस्ट में ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है, इस पर मिरर वर्क दिया हुआ है और साथ में ये एम्ब्रॉयडरी से डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जो नवरात्रि में हम लहंगा पहनते हैं, सेम वही पैटर्न है ये। इसके साथ में ये डोरी मैंने खुद लगाई है, डोरी नहीं आई थी फ्रेंड्स। और इसमें यहाँ पर जो चेन होती है वो भी नहीं है, सिर्फ ये यहाँ से सिलाई है। और आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, इसमें एक्चुअली में काफ़ी फ्री साइज़ है ये, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको करवा सकते हैं फ्रेंड्स। लेंथ इसकी फुल लेंथ है, काफ़ी अच्छी लेंथ है। इसका जो फैब्रिक है ये काफ़ी सॉफ्ट है, रियोन में है ये पूरा। और नीचे की तरफ में फ्रेंड्स, ये वाला बहुत चौड़ी सी ये वाली पट्टी दी हुई है, नीचे का पूरा ये वाला नीचे वाला हिस्सा है। और ये यहाँ पर ये छोटी छोटी सी क्या बोलते हैं इसको, लटकन दी हुई है पूरी, ये वाला पूरा एम्ब्रॉयडरी से है और साथ में इसमें मिरर वर्क है। इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी इसमें कलर दिए हुए हैं अलग अलग पैटर्न के साथ में, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसके साथ में दुपट्टा आया हुआ था फ्रेंड्स, जो दुपट्टा है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पूरा प्लेन दुपट्टा है तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और कॉटन में है तो वो आप इसको जब डालते हैं तो सिंपल सा जस्ट ऐसे ही वहीं पकड़ करके रह जाता है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे वो दुपट्टा। ओवरऑल काफ़ी ठीक है लेकिन दुपट्टा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इस पर ये वाली बॉर्डर दी हुई है, बहुत पतली सी बॉर्डर है, कलर में दो तीन कलर है इस पर, पिंक और ये वाला जो कलर है ये पर्पल कलर में है। बहुत ही अच्छी लग रहा है, मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे उसका फैब्रिक वगैरह इतना अच्छा नहीं लगा और ऊपर से प्लेन भी था। तो मैंने इसके साथ में फ्रेंड्स दूसरा दुपट्टा परचेज़ किया, ताकि वो और भी अच्छा हैवी लुक आए। अगर आपको ये पसंद आता है, मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसा इसका जो दुपट्टा है वो कैसा है, जो मैंने इसके साथ में पेयर किया हुआ था, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, जो इसके साथ में मैंने जो दुपट्टा डाला था वो ये वाला था, जो कि इसके साथ में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ में ये होगा, लेकिन ये इसके साथ नहीं है, इसके साथ में सिर्फ प्लेन दुपट्टा था फ्रेंड्स। ये जो दुपट्टा है ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स ये जो लेस लगी हुई है, ये लेस इसके साथ नहीं थी, ये लेस मैंने खुद लगाई है। दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा एम्ब्रॉयडरी है, कांच से जो मिरर वर्क होता है वो है और फ्लावर बने हुए हैं। और ये जो यहाँ पर है ये एम्ब्रॉयडरी है और कुछ इसमें प्रिंट भी है फ्रेंड, जो अगर आपको ये दिख रहा होगा ये बारीक सा, तो ये वाला प्रिंट है और बाकी जो उभरा हुआ है ये एम्ब्रॉयडरी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, डिज़ाइन है और जो हैवी है दिखने में वैसा काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका जो लहंगा है उसमें थोड़ा हैवी लुक आए, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये 500 के आसपास रहा होगा, मैं इसका आप कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल इसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। फ्रेंड्स, जो ये लहंगा है इसकी जो साइज़ है ये फ्री साइज़ में है और कलर इसमें 5 कलर अवेलेबल है। मैंने ब्लैक ख़रीदा था, एक्चुअली मैं थोड़ा नॉर्मली ब्लैक ज़्यादातर लोग पहनते हैं और अच्छा भी लगता है, तो मैंने ब्लैक लिया था। इसमें ऑरेंज कलर भी है, येलो और ऑरेंज के बाद ब्लू कलर है, ब्लू में 2 कलर है, एक नेवी ब्लू है और एक लाइट ब्लू जो होता है वो है, और एक रेड या थोड़ा सा मरून कलर दिख रहा है उसमें, तो एक मरून कलर टाइप का है। मुझे दिखने में काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड्स ये। इसकी जो नीचे की तरफ में ये वाली लटकन दी हुई है ये भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत लग रही है। तो इसकी फ्रेंड्स मैं आपको चोली दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये वाली इसकी चोली है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, यू कैन सी वाओ, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। इसकी जो स्लीव है ये शॉर्ट स्लीव है, ये भी एक्चुअली पूरा फ्री साइज़ है, तो आप इसको ले सकते हैं। मुझे एक्चुअली काफ़ी लूज रहा ये, मैंने इसको थोड़ा फिटिंग करवाई थी लेकिन फिर भी मुझे उसके बाद भी लूज़ रहा। इसमें यहाँ पर मैंने चेन लगवाई है,
इसमें चेन नहीं थी पूरा, क्योंकि फ्री साइज़ में था और आप सिर्फ इसको जैसे हम शर्ट पहनते टी शर्ट जो होती है उस प्रकार से डायरेक्ट डालने लायक था ये, लेकिन क्योंकि वो वैसा पहनने में भी इजी नहीं होता है तो मैंने इसमें चेन डलवाई थी। इसका जो नेक है ये राउंड नेक है, पीछे से भी इसका राउंड नेक है और फुल पूरा बंद है ये। इसका फैब्रिक भी रेयॉन फैब्रिक है फ्रेंड्स, और साथ में ये डोरी आई हुई थी। इसका जो प्राइस है वो 1300 है और इस पर भी ये यहाँ पर मिरर वर्क जैसा लहंगे में डिज़ाइन है सेम वही डिज़ाइन इस पर दिया हुआ है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये दिखने में, बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इसको। मुझे मन कर रहा है कि मैं एक बार वो पहन के बैठ जाऊँ। तो मैंने आपके साथ इसका वीडियो भी शेयर किया हुआ है फ्रेंड्स। मैंने इसको मीन्स आप देख सकते हैं, मैंने इसको बिना एक स्कर्ट जो नेट स्कर्ट आती है मैंने उसके साथ इसको पहना था और उससे के विदाउट उसके भी पहना था। तो आप देख दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि जो लहंगा है वो बिना स्कर्ट के जो केनकेन स्कर्ट है उसके बिना भी ठीक लग रहा है। अदरवाइज़ अगर आप केनकेन स्कर्ट पहनेंगे तो भी काफ़ी अच्छा एक फ्लेयर आएगा आपको। तो फ्रेंड्स मैं उसका भी आपको अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका भी लिंक कर दूंगी। वैसे मैं उसका अलग से ही एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको आसानी रहे उसको सिलेक्ट करने में या देखने में। तो फ्रेंड्स ये जो है लहंगा ओवरऑल ठीक है, सिर्फ दुपट्टा जो है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फिर भी को ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल है और आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली आप नवरात्रि के लिए अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। और ब्लाउज़ है इसका, चोली जो है ये बहुत ही अच्छी लग रही है। ये और सारा जो मैंने आपको बताया मेरा खुद का पर्सनल ही ये सभी रिव्यू है, मुझे जो ठीक लगा जो मुझे अच्छा लगा। फ्रेंड्स मीशो पे अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें रिव्यू इतना अच्छा नहीं है, आई थिंक 3 स्टार ही दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक कारण इसका दुपट्टा भी रहा है, क्योंकि दुपट्टा इतना अच्छा हैवी लुक नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्लेन हो गया, ऊपर से फिर वो कॉटन में है तो वो बहुत ज़्यादा ही मीन सिंपल लग रहा है। तो ये जो दुपट्टा मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं इसका लिंक अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो मैं बिल्कुल उसका लिंक भी शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।